साथियों निम्न श्रृंखला को पूरा करें। आपके पास यहाँ पे जो एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बेस पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए, तो कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले चार, अगर हम यहाँ पे चार का हाफ करें, चार का हाफ दो, इसके बाद अगर इस दो का हम यहाँ पे क्यूब करें तो कितने नंबर? आठ, जो इससे अगला नंबर आपके पास दिया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर छह, छह का हाफ यहाँ पे तीन, इससे अगला नंबर तीन का क्यूब 27, इसके बाद आठ का हाफ चार, चार का क्यूब जस्ट इससे अगला नंबर। तो इसी प्रकार का लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। टेन का अगर हम हाफ करें पांच, पांच का क्यूब, पांच का क्यूब यहाँ पे 125, इस ऑप्शन सी इस सीरीज का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए विदाउट निशान के। जैसे सबसे पहले 400, इसके बाद 5, 6, 22, 75। अब आप इस कंडीशन को नोट डाउन कीजिए, 400 और 5 के बीच मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे है डिवाइड। तो 400 और 5 के बीच आप डिवाइड को नोट डाउन कीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद 5 और 6 के बीच माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद 6 और 22 के बीच प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे है माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस को नोट डाउन कीजिए। और लास्ट डिवाइड, डिवाइड का मतलब यहाँ पे है प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस को नोट डाउन कीजिए। अब सिंपली इस सीरीज को आप कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले डिवाइड, 5 को अगर हम 400 पे डिवाइड करेंगे कितने टाइम? 80। इसके बाद मल्टीप्लाई 6 माइनस 22 प्लस 75। पीछे की सीरीज को आप एज इट इज नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई, बोर्डमास नियम आप सभी को क्लियर है। सबसे पहले डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस। आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, 80 और 6 की मल्टीप्लाई, 8 चिंग 48, 480। इसके बाद माइनस 22 प्लस 75। अब 480 और 75 ये आपके प्लस के हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। 480 प्लस 75 और माइनस के इसमें 22 है। 480 में 75 को ऐड करेंगे तो 555। इसमें से हम अगर 22 को माइनस करें तो हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे 533। ऑप्शन ए इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो बताएं रमन ने किसे पढ़ाया था? तो आप इसका डायग्राम इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। रमन ने अनंत से कहा, किसने किससे कहा? रमन नाम का जो व्यक्ति है, इसने अनंत से कहा। तो आप इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। किसने कहा? रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, रमन की दादी, तो दादी को आप जस्ट ऊपर इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। दादी की पुत्री, दादी की पुत्री कौन है? आपके पिता की बहन। दादी की जो पुत्री है ये रमन की कौन है? भुआ। आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए। और आपकी भुआ के कौन? पिता। इसने कहा एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो आपकी भुआ के एकमात्र भाई कौन रहेंगे? आपके पिता, मतलब आपकी जो दादी है इसका बेटा। तो एग्जाम ने पूछा रमन ने किसे पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया? अपने पिता को ही पढ़ाया। ऑप्शन इसमें बी इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 19 जून 2020 का कौन सा दिन होगा? नीचे इसके ऑप्शन दिए गए, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार, बुधवार। इसकी ट्रिक किस प्रकार से? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले तारीख, इसके बाद यहाँ पे मास कोड, इसके बाद वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष के बाद शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड के बाद माइनस एक, और सिंपली इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। जैसे सबसे पहले तारीख, तारीख आपके पास 19, इसके बाद जून मतलब मास कोड, तो जून का कोड कितने नंबर रहेगा? यहाँ पे 5 नंबर। कोड आपको सभी को क्लियर है। अगर किसी साथी को कोड क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में इसकी अलग से हमने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद वर्ष, वर्ष आपके रहेंगे यहाँ पे 2020 में लास्ट के वर्ष कितने हैं? 20। इसके बाद लीप वर्ष, 20 वर्षों में लीप वर्ष, तो 20 को आपको सिंपली 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20, जो भागफल रहेंगे ये आपके लीप वर्ष रहेंगे यहाँ पे।
इसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कितनी आपकी 2000, और 2000 का कोड यहाँ पे रहेगा 6 नंबर। इन सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना है और लास्ट में माइनस एक, तो कीजिए 19 और 5 24, 24 और 20 44, 44 और 5 49, 49 और 6 55, और लास्ट में आपको एक माइनस यहाँ पे हमेशा करना है, एक माइनस करेंगे 54। अब सिंपली 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 यहाँ पे 49, अब 54 में से 49 को माइनस करेंगे तो नीचे यहाँ पे कितने शेष रहेंगे 5, और 5 का मतलब है शुक्रवार, ऑप्शन ए इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों ये कोड हमने किस प्रकार से यहाँ पे नोट डाउन की, अगर ये ट्रिक लॉजिक याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जरूर आप विजिट कीजिए, वहां पे सभी प्रकार के डाटा आपको कंसेप्ट वाइज मिल जाएंगे, सीरीज वाइज मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं।